मुंह से अच्छी स्मेल नहीं आती। हम जब किसी से बात करते हैं या हम जब हंसते हैं या कुछ बोलते हैं खाते हैं, तो हमें या हमारे साथ जो हैं उन्हें अगर हमारे मुंह से अच्छी महक नहीं आ रही हो, अच्छी स्मेल नहीं आ रही हो, बदबू आ रही हो, तो हमें अच्छा नहीं लगता। मैं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटल से आपको बताऊंगा कि अगर मुंह से खराब स्मेल आ रही हो, बदबू आ रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे ये ना हो। देखिए दोस्तों, जो सबसे कॉमन कारण मुंह से खराब स्मेल आने का है वो ये है कि हमारे दांतों पे कुछ डिपॉजिट्स का रह जाना, मतलब खाने पीने के पदार्थों का जमा रह जाना, जो कि बैक्टीरिया का घर बन जाते हैं। इनमें कीटाणु जो है पैदा होते हैं और फिर ये खराब स्मेल मुंह से पैदा होती है। तो सबसे बेसिक और सबसे पहली चीज जो आपको करना चाहिए ऐसा होने पर, वो ये है कि आप जब भी कुछ खाएं उसके बाद में अच्छे से रिंस करें, मतलब कुल्ला करें। अगर आप मुंह में कुछ इकट्ठा ही नहीं होने देंगे, जब भी कुछ खाएंगे पिएंगे कुल्ला करके बढ़िया उसको साफ रखेंगे, तो वहां पर वो बैक्टीरिया इकट्ठे नहीं होंगे, तो उससे ये खराब स्मेल आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप अच्छे से ब्रश करें। हमेशा कुल्ला कर लेने से पूरे दांत क्लीन नहीं हो जाते, वरना ब्रश करना ही क्यों पड़ता फिर, तो ब्रश तो करना पड़ेगा प्रॉपरली दांतों को क्लीन करने के लिए। तो सुबह अच्छे से ब्रश करें जिससे दिन भर मुंह में ताजगी रहे और मुंह में कुछ जमा ना रहे, और रात को भी सोने के पहले ब्रश जरूर करें। आपको जो भी खाना है आप खाएं, खाने पीने की मना नहीं है, लेकिन आप उसके बाद में ब्रश करके दांतों को क्लीन रखें। आप क्लीन रखेंगे तो बैक्टीरिया इकट्ठे नहीं होंगे और ये समस्या होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरी बात यह कि आप अपनी जबान को भी साफ रखें, जबान को भी क्लीन रखना बहुत जरूरी है। टंग क्लीनर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप उन्हें कहीं से आसानी से ले सकते हैं, और अपनी जबान को क्लीन और साफ रखें, यह भी बहुत जरूरी है मुंह की अच्छी हाइजीन के लिए। इसके बाद आता है कि हम ऐसी क्या चीजें खाएं जिससे कि हमारे मुंह में फ्रेशनेस बनी रहे और स्मेल कम आए। तो देखिए, कोई भी चीज जिससे अच्छी स्मेल आती है, जैसे इलायची हुआ, लौंग हुआ, या कोई अच्छी च्युइंगम्स हुई, आप ये ले सकते हैं, सौंफ खा सकते हैं बार बार, जिससे कोई नुकसान नहीं होता सौंफ खाने में। तो ये करके आप अपने मुंह में ड्राइनेस को भी कम रख सकते हैं और स्मेल को भी अवॉइड कर सकते हैं। आप जब खाना खाएं उसके बाद थोड़ी सौंफ वगैरह ले लें या इलायची ले लें, तो डेफिनेटली जो स्मेल मुंह से आती है वो कम आएगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता हो कि किसी पर्टिकुलर खाने की चीज़ों से ज़्यादा स्मेल आती है, जैसे कई लोगों को प्याज से या फिर गार्लिक लहसुन से लगता है कि जो है मुंह से स्मेल आती है, तो उसको दोस्तों आप अवॉइड करें, है ना, स्पेशली नाइट टाइम में अवॉइड करें, तो जिससे रात भर में मुंह का एक जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो खराब सा हो जाता है, तो वो होने से वो बच जाएगा। तो आप ऐसे खाने के चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें जिनसे स्मेल ज़्यादा आती है। ये सब करके हम हमारे मुंह में अब होने वाले डिपॉजिट्स को अवॉइड कर रहे हैं। अब जो बैक्टीरिया वहां पर अपना घर बनाते या आगे बढ़ते, उन्हें हम रोक रहे हैं। लेकिन अगर पहले से आपके मुंह में डिपॉजिट हैं और आपके दांतों के ऊपर पूरी तरह से साफ सफाई नहीं है, वहां पे कुछ डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट मतलब कि ऐसी चीजें जमा है, टार्टर जमा है, जो कि आप ब्रश करेंगे तो क्लीन आपसे घर पे नहीं होगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप फौरन जाकर के किसी डेंटिस्ट से, आप अपने डॉक्टर से मिलें और उसको क्लीन कराएं। वो क्लीन करने से आपके मसूड़े और दांत काफी हेल्दी और स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। ये सब भ्रांतियां होती हैं कि साफ करने से दांत हिलने लग गए या कमजोर हो गए या आंखों की रोशनी खराब हो गई, ये महज भ्रांतियां हैं। इन्हें दरकिनार कीजिए और आप अगर आपके दांतों पे कोई भी डिपॉजिट हैं तो उन्हें जाकर के क्लीन कराइए। और ये सारी चीजें जो मैंने बताई कि आप जब भी खाना खाएं उसके बाद कुल्ला करें, रात को जरूर से ब्रश करें, आप कोई अच्छा माउथ वॉश भी कुछ दिन यूज करके देख सकते हैं। माउथ वॉश को यूज करने का तरीका ये होता है कि आप आधी एक कटोरी पानी लीजिए, उसमें एक ढक्कन दवाई मिलाइए और उससे कुल्ले कीजिए, इससे भी बहुत फ्रेशनेस मुंह में रहती है। तो ये सारी चीजें करके आप अब जो बैक्टीरिया आपके दांतों पे इकट्ठे होते उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर पहले से डिपॉजिट हैं तो डेफिनेटली दोस्तों उसे क्लीन कराइए। वो क्लीन करा लेने से आपको खुद बखुद फील होगा कि कितना हाइजीनिक और साफ हल्का आपको मसूड़ों पर और दांतों पर फील होता है। तो बिल्कुल आप उसे क्लीन करें और आगे डिपॉजिट ना हो, इसका ध्यान रखें। एक आजकल मार्केट में बड़ी अच्छी चीज अवेलेबल है जिसको वाटर फ्लॉसर बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी मशीन सी आती है जिसके अंदर आप साफ पीने का पानी रोजाना भर सकते हैं, चेंज कर लें पुराना और नया भर सकते हैं। बटन होता है, उस पर आप बटन दबाते हैं तो उसकी टिप से आगे की तेज प्रेशर से पानी निकलता है। ये जो वाटर फ्लॉसर होता है, ये आप अपने मुंह में लें और इसको बटन दबा करके जब पूरे मुंह में घुमाते हैं तो बड़े अच्छे से मसूड़ों पे, दांतों पे तेज प्रेशर पानी का आता है। जैसे आपने देखा होगा कार
सर्विसिंग वगैरह करने में किस तरह से तेज पानी का प्रेशर मार के गाड़ी को धोया जाता है, सेम हमारे मुंह में भी ये वाटर फ्लॉसर उसी तरह से यूज होता है। सिर्फ आपको बटन दबाना है और पीने का पानी इसमें भरना है। तेज प्रेशर आएगा पानी का इस मशीन से, पूरा मुंह इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ऐसे एरियाज मुंह के जहां आप कुल्ला करके या ब्रश करके क्लीन नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली ये वाटर फ्लॉसर उसको बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। तो ये भी आप यूज करना रेगुलर शुरू कर सकते हैं। कोई बहुत महंगा ये आता नहीं है, कई सारी कंपनीज का आता है, अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल है। 2,500-3,000 की रेंज में ये अच्छे फ्लॉसर मिल जाते हैं, हमेशा सालों साल चलेंगे और आप बस इसमें रोज नया पानी भरें फ्रेश और इसको यूज करें। डेफिनेटली इससे आपको मुंह की स्मेल को ठीक करने में या खराब जो स्मेल है बदबू उसे रोकने में बहुत मदद मिलेगी। एक बात और आपको ध्यान में लाना पड़ेगी कि अगर मान लीजिए आपके जो होंठ है वो आपस में पूरी तरह से बंद नहीं होते, जिसे लिप इनकॉम्पिटेंसी कहते हैं, अगर आप बात नहीं कर रहे हैं या कुछ खा नहीं रहे हैं, आप नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट पर आपका फेस है और ऐसे टाइम पर अगर आपके होंठ पूरी तरह से बंद नहीं हो रहे और वहां पर एक गैप रह जा रहा है, या रात को सोते हुए अगर आप किसी को बोले कि घर में और लोगों को कि आप जब सो रहे हो तो ये नोट करें कि आपके होंठ आपस में बंद हैं या नहीं है। अगर देखिए आपके होंठ आपस में बंद नहीं होते हैं पूरी तरह से, लिप्स आपस में कॉम्पिटेंट नहीं है रेस्टिंग फेज में, तो ऐसे में आपको आपके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि इसका क्या रीजन है। कई बार दांतों की वजह से ये होता है कि दांतों का हमारा जो अलाइनमेंट है, पोजीशन है, वो इस तरह से होती है कि होंठों को आपस में पूरी तरह से बंद नहीं होने मिलता। उससे क्या होता है कि मुंह जो है वो सूख जाता है, सूखने से वहां पर केरीज के या डीके के या बैक्टीरिया इकट्ठा होने के चांस और होते हैं, खराब स्मेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा जो सलाइवा रहता है वो सूख जाता है, जो थूक सलाइवा हमारे मुंह में रहता है ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें होती है दोस्तों। जी हाँ, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो हमारा सलाइवा है, थूक है, इसमें एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया से फाइट करने में हमें मदद करते हैं। अब अगर मुंह ज्यादा सूख रहा है तो वो जो एंटी बैक्टीरियल तत्व है सलाइवा के वो चले गए, सलाइवा तो सूख गया, थूक बचा नहीं, ड्राई हो गया माउथ, तो ऐसी कंडीशन में हमें वो मुंह से खराब स्मेल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और न सिर्फ खराब स्मेल, दांतों की सड़न के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये बात आप नोट करें या अपने घर में किसी को बोले कि वो नोट करें कि आपका मुंह जो है वो पूरी तरह से बंद होता है या खुला रह जाता है, वहां पर दोनों होठों के बीच में गैप रह जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि मुंह से खराब स्मेल आने पर क्या क्या बातें आपको करनी चाहिए और किस तरह से आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। इससे जुड़े अगर और भी कोई सवाल आपके जहन में है तो बेशक हमसे पूछिए, हमें बता करके खुशी होगी। धन्यवाद।